नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशली भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की, साथ ही प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो रहे कार्यों पर विस्तृत चर्चा भी की। उधर आपको बता दें कि एस्ट्रो टूरिज्म को लेकर पर्यटन विभाग लगातार कड़े प्रयास कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट के बाद अब रुद्रप्रयाग में एस्ट्रो टूरिज्म की तैयारियां की जा रही हैं। इस बात को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि रुद्रप्रयाग में एस्ट्रो विलेज बन रहा है और मसूरी का जॉर्ज एवरेस्ट पर्यटन का केंद्र माना जाता है, जहाँ भारी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, तो पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण यह फैसला लिया गया है। लोग इस समय रुद्रप्रयाग में कर रहे हैं, वहां पर बना रहे हैं एक एस्ट्रो वहां पर विलेज बन रहा है। और आप जानते हैं जॉर्ज एवरेस्ट हमारा बहुत ही आइकॉनिक स्टेशन है, केंद्र है, लोग वहां देखने जा रहे हैं, बहुत सा ज्ञान वहां से प्राप्त होता है। आप भी देखने गए होंगे तो बहुत अच्छा वहां पर है। और हम चाहते हैं कि जो हमारे पहाड़ों की चोटियां हैं, जैसे देवप्रयाग के अंदर वहाँ पर गुरु जी का एक ज्योतिष पीठ थी, तो वहाँ से वो टेलीस्कोप लगा के तारों को देखते थे, तो काफ़ी लोगों ने आपके आपके कार्तिकेय स्वामी में भी वहाँ टेलीस्कोप लगा है, मैंने देखा है, तो काफ़ी लोग इसको बढ़ा रहे हैं, तो एस्ट्रो टूरिज्म हमारा बढ़ रहा है, इसके कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं। उधर आपको बता दें कि एमडीडीए के जरिए राजधानी देहरादून में मलिन बस्तियों पर बुलडोजर चलाए जाने पर अब वहां के निवासी लगातार सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं इस पर धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि इस अभियान को मलिन बस्तियों के विरोध में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि एनजीटी के कारण कई कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसके अनुसार लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई चल रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर एनजीटी की बात की जाए तो कई अमीर लोगों के रिजॉर्ट बने हुए हैं, उन्हें क्यों नहीं तोड़ा गया, बल्कि गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। ने पहले एक बात कही है कि इस अभियान को मलिन बस्तियों का के विरोध में अभियान नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये जनरल कोई अतिक्रमण हटाओ का अभियान नहीं चल रहा है, बस्तियों पर नहीं चल रहा है। ये एनजीटी के कारण जो हाईकोर्ट ने आदेश किए हैं उन लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई चल रही है और इसकी बाकायदा जाँच पड़ताल हुई है। अभी काठबंगला क्षेत्र में गब्बर सिंह बस्ती में भी इसी प्रकार की कार्रवाई चल रही थी, एक महिला की मौत भी दुर्भाग्यपूर्ण रही वहाँ पर हुई है, और उसके बाद मैं देख रहा था कि वहाँ पर दोबारा से फिर जांच हो रही है। हम लोग ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि 16 से पहले के जो लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई न हो। हालांकि हम इन कार्रवाइयों के बहुत पक्षधर नहीं हैं, लेकिन कठिनाई यही है कि हाईकोर्ट के आदेश हैं और हाईकोर्टों के आदेशों से ऊपर कोई सरकार नहीं होती है, ना ही कोई व्यक्ति हो सकता है, उन आदेशों का पालन करना होता है। लेकिन पूरी छानबीन करने के बाद जो लोग 16 के बाद के लोग हैं उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है। कैसे बसासत हुई, क्या तब प्रशासन को चेतना नहीं चाहिए था? और जहां तक एनजीटी इत्यादि की बात करते हैं तो पुलिस का इतना बड़ा जो ऑफिसर्स कॉलोनी बनी है स्पिना नदी में, वो कैसे बन गई, विधानसभा कैसे बन गई, अनेकों अमीर लोगों के रिजॉर्ट बने हुए हैं जिसमें अतिक्रमण भी है और चीजें भी हैं, उनके रिजॉर्ट में तोड़ डाले, गरीबों को बेघर किया जा रहा है। और कई तो ऐसे हैं जो ठीक ठाक हैं, जिनके पास 14 के 15 के भी कागजात हैं, लेकिन उनके घरों में भी किसी नेता के कहने पर डोजर चलाया जा रहा है। एक पार्षद है जिनकी संपत्ति में इस तरीके का कार्रवाई एक नेता के कहने पे की गई है, तो निश्चित ही ये दुखद है। कांग्रेस ने हमेशा लोगों को बसाने का काम किया। उधर आपको बता दें कि जोशीमठ में हुए भूस्खलन से हर कोई वाकिफ है, हालांकि अभी भी दरारें भरी नहीं है। बता दें कि ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं होने से बारिश का पानी पहाड़ के भीतर जाने से भी खतरा बना हुआ है। इसके अलावा 14 पॉकेट ऐसे हैं जहां पर कि खड़े 800 से अधिक जर्जर भवन पहाड़ पर भार बने हैं। साल भर गुजर जाने के बाद फिर से मानसून दस्तक देने लगा है, लेकिन अभी तक पहाड़ की स्थिरता के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा सके। इसी को लेकर अब विपक्ष सरकार पर निशाना साधता नजर आ रहा है।
लगभग 2 साल हो गए हैं जोशीमठ का दर्द सरकार समझने का नाम नहीं ले रही है। जब जोशीमठ के घरों में दरारें आई थी तब सरकार ने कहा था कि सभी का जो है पुनर्वास होगा, सबको उचित मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है पुनर्वास की कोई भी योजना जोशीमठ के लोगों को नहीं बताई गई है। कोई भी मुआवजा जो है पूरी तरह से सेटलमेंट नहीं हुआ है और लोग मजबूरी में उन्हीं दरार वाले घरों में जो है रहने के लिए मजबूर हैं। आखिर वो अपने बच्चों को लेकर के जाए तो कहाँ जाए? आखिर जो है जोशीमठ की पीड़ा को नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? हम सरकार को लगातार चेतावना और जगाने का काम कर रहे हैं कि जोशीमठ का समुचित ट्रीटमेंट कीजिए, वहाँ जो है जिनको पुनर्वासित किया जाना है उनका जो है पुनर्वास कीजिए, जिनका मुआवजा सेटलमेंट होना है उसका मुआवजा सेटलमेंट कीजिए। उधर आपको बता दें कि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उनके लोकल क्षेत्र नेता ही उनके स्टार प्रचारक के रूप में हैं। लोकल क्षेत्र नेता भी यही अपने आप में हमारे स्टार प्रचारक हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जो मोदी जी के नाम पर यहाँ जीत जा रहे हैं। हम लोगों के लोकल नेता जो है क्षेत्र की समस्याओं के साथ हर वक्त जुड़े होते हैं, तो वो अपना प्रचार क्यों नहीं कर सकते? वो अपने प्रचार में जा सकते हैं और हमारा क्षेत्रीय नेतृत्व तो अपने आप में क्षमता रखता है जाने की, बोलने की, उन्हें सब पहचानते हैं, तो वो जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। और निश्चित तो ये कैंडिडेट को कहा गया अगर उन्हें किसी स्टार प्रचारक की आवश्यकता है तो बताएं, उन्हें जरूर स्टार प्रचारक मिलेंगे। उधर आपको बता दें कि मंगलौर में कांग्रेस प्रत्याशी के वाहन की चेकिंग करने से दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन काफी भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने मंगलौर कोतवाली पहुंचकर पुलिस कर्मियों को काफी खरी खोटी सुनाई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। इस दौरान काजी निजामुद्दीन ने सरकार पर उत्पीड़न का आरोप भी लगाया। चुनाव आयोग मोदी का गाड़ियां चेक हो रही हैं, ये सारी पुलिस नाकाबंदी, पीछे बसपा कार्यालय है उसकी चेक, उसको नहीं रोका जाएगा। सेंट्रम होटल में बढ़ाना रुका हुआ है, लाखों रुपए रोज वहाँ खर्च हो रहे हैं, करोड़ों वहाँ से वो खर्च कर रहा है, उसकी कौन चेक कर रहा है? उसकी मुझे सुबह दोपहर शाम मुझे चेक कर रही, मेरी गाड़ी आते जाते मेरी गाड़ी चेक हो रही है। यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहता है चुनाव आयोग, इक्वल फेयर, सबको बराबर मौके मिलेंगे। ये मेरी गाड़ियों की आते जाते चेकिंग करनी है, कितना मेरे ऊपर तनाव का सीन होने लगा। पोलिंग वाले दिन क्या हरकत करेंगे ये? उधर आपको बता दें कि मंगलौर उपचुनाव में सभी दलों के प्रत्याशियों ने प्रचार तेज कर दिया है, और एक तरफ जहां पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी मंगलौर में डेरा डाल लिया है, वहीं कांग्रेस भी इस सीट को जीतने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। बता दें कि गुरुकुल नारसन में आयोजित किसानों की एक महापंचायत ने कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन को अपना समर्थन देने की घोषणा की। बदलगा यो नहीं देश का बदलगा, वही परिवार आवेगा जिनने जमींदारा खात्मा कराया और हम जिंदे करे, जो बदमाश जो चला जाएगा इन तक दाढ़ी वाला, इनने ड्रामे कर रखे, सबसे ज्यादा शोषण हमारी जात का करा इन 32 आदमी हरियाणा में गोल जो तुम्हारे, और एक बच्चा मारा ताना शाह है, जो ताना शाह है जो चलने वाला नहीं है, अंग्रेज नहीं चले इस तरह, हरियाणा में देवी लाल जी नहीं चले इस तरह, खत्म हो गए, जो चलने वाला है नहीं है। तो काजी निजामुद्दीन जी का जी और किसका माहौल है, ये तो बढ़ाना जी है, हेलीकॉप्टर से, हेलीकॉप्टर से 9 तारीख में वापस चले जाएं, 10 तारीख में भी रुकने गए, ये 9 में ही वापस चले जाएंगे। ये तो नू चाह रहे 4000 में वोट खरीद लूंगा, मैं कह रहा मैं तू मेरे से पैसे ले रहा है, वहां चला जा रहा है, मैं यहाँ से कोई नेता नहीं रहा, लोकल नेता नहीं गया जिला के, मैं या नहीं जी किसे खरीद लगा यहाँ से बताओ। सरकार बीजेपी की है, भीड़ इकट्ठा कर रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, भारी लोग हैं। अब की बार क्षेत्र की जनता जो काजी साहब का नाम पुकार रही है, गांव गांव घर घर काजी साहब का नाम चल रहा है। क्षेत्रीय नेता हैं, सुख दुख से जुड़े रहते हैं, हमेशा सत्ता में न रहते हुए भी हर आदमी के साथ खड़े हैं। उधर आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक सुमित्र देश ने प्रदेश सरकार पर विकास कार्यों में भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आने वाले सीजन मानसून का है और अक्सिया नाले के शुरुआती हेड में कोई भी काम नहीं किया गया है, सिर्फ कालाठूंगी विधानसभा क्षेत्र में रक्सिया नाले के आउटफॉल को बनाया जा रहा है। एक तो दो चीजों पर निर्णय लिया है हमने कि हल्द्वानी में
कुछ क्षेत्र में, एक लिमिटेड क्षेत्र में, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इसमें उनका एक्सपेक्टेशन है, हम अच्छा प्लांटेशन कराएं। बहुत बड़े पेड़ों का हम नहीं करना चाहते, लेकिन क्रीपर्स का, ऐसे क्रीपर्स हैं, ऐसी लताएं हैं जो साल भर रहती हैं, उसका प्लांटेशन हम करवाएंगे और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से होगा। सिमिलरली एक पायलट बेसिस पे बहुत ही अच्छा ओपन जिम किसी पार्क में एस्टेब्लिश हम लोग कराएंगे। नगर निगम के कुछ प्रस्ताव थे सड़कों के, सामुदायिक भवन के, वो हम लोगों ने पास किए हैं। एक इस बात पर निर्णय लिया है कि पूर्व में जो स्वीकृतियां प्राधिकरण ने दी हैं, चाहे वो ग्रुप हाउसिंग की हो, चाहे बड़े कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स की, उसमें मॉल वगैरह भी होते हैं, इसमें अनिवार्य शर्त होती है कि वो अपना रूफ फोटो हार्वेस्टिंग करेंगे। गर्मी में बिजली पानी की जो दिक्कत हल्द्वानी वासियों ने झेली, वो तो झेली झेली। अब मानसून आ गया है, रकसिया नाला और कलसिया नाला जो इनका हेड है, जहाँ से शुरुआत होते हैं, डम्मा डूंगा हो गया, काठ गोदाम हो गया, वहाँ आपदा की दृष्टि से कोई कार्य नहीं हुआ है। तो आपदा को रोकने में क्या इन अधिकारियों ने काम करा? इन्होंने नीचे काला डूंगी विधानसभा में, जहाँ पे वो निकलता है रकसिया नाला, वहाँ पे तो कार्य कर दिया है, लेकिन ये जो क्षेत्र हैं जहाँ पिछले वर्ष घर भी बह गए थे और गरीब लोग परेशान हुए थे, वहाँ पे इनकी ना दया है ना दृष्टि है। ये सीधे सीधे हल्द्वानी विधानसभा के साथ पक्षपात है, जनता धीरे धीरे इसका जवाब देगी। उधर आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव के चलते हरिद्वार पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला। बता दें कि दरअसल कस्बा मंगलौर के पठानपुरा और मलकपुर भंडार चौक समेत तमाम जगहों पर पैदल मार्च किया। इस दौरान स्थानीय जनता को पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई। साथ ही ये भी बताया गया कि किसी भी प्रकार के न तो कोई अफवाह फैलाए और न ही किसी अफवाह पर ध्यान दें। खबर देहरादून से, जहां पर हरेला पर्व के दौरान पूरे प्रदेश में 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। और बता दें कि 16 जुलाई से हरेला पर्व की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें कि 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है। ज्यादा जानकारी देते हुए बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि हरेला पर्व हर वर्ष उत्तराखंड में बीजेपी द्वारा मनाया जाता है, जिसमें कि बूथ स्तर पर प्लांटेशन का कार्यक्रम किए जाते हैं और जनता को जागरूक किया जाता है। हरेला पर्व हमारे उत्तराखंड की विरासत है और इसको हम लोगों ने सामाजिक स्तर से उठाकर सरकारी कार्यक्रम भी बनाया और भारतीय जनता पार्टी इसमें एक कदम और आगे करने को सरकारी कार्यक्रम भी हमने बनाया है। हम हर साल हरेला पर्व मनाते हैं और बूथ स्तर तक हमारा प्लांटेशन का कार्यक्रम इसमें काफी लंबे समय तक चलता है। महीने दो महीने तक हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे, इसके माध्यम से बहुत सारे वृक्ष लगाने का काम भी करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक जन सहभागिता नहीं होगी, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, तो एक दिन पेड़ लगाने मात्र से पेड़ नहीं बचेगा ना बड़ा होगा। तो जहाँ पेड़ लगाए जा रहे हैं, जिन जगहों पर लगाए जा रहे हैं, वहाँ लोगों से भी मेरी अपील है कि वो इसके महत्व को समझे और उन पेड़ों को संरक्षण दें, उनको बढ़ाने में अपना योगदान करें। उधर आपको बता दें कि रुड़की में अब बुध बाजार को निशुल्क कराने की मांग को लेकर अब समिति के सदस्यों ने भूख हड़ताल की शुरू। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। वहीं समिति के अध्यक्ष रजनीश सैनी ने विभाग पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बुध बाजार को ठेका प्रथा से दुकानदारों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। मैं पिछले कोई 1990 से बाजार लगा रहा हूँ। पहले बाजार ही मैन बाजार में लगता था, नहर के किनारे पे लगता था और फिर बोर्ड कर लगे लगता रहा है बाजार। और जिसमें हमारे पहले जो कांडपाल जी आए SDM साहब, वो हमारे को फ्री बिठा रहे थे। फ्री में उन्होंने हमारे को इधर नहर के किनारे पे बिठाया, ये जनंगे सुनिश्चित कर दी। कोरोना काल के बाद हमारी ये स्थिति आ गई है कि सरकार की कि हमारे माननीय मोदी जी ने गरीब रेडी पटरी वालों के लिए लोन भी सेंक्शन करे हैं कोरोना काल के बाद, और जिसमें जिन लोगों के पास कारोबार नहीं चल रहे थे, उनका कारोबारी स्थिति बहुत हताश हुआ है। अपनी जीविका चलाने के लिए आदमी को बहुत बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है इसके लिए। और जो है सरकार ने जो 10,000 या 20,000 रुपये का जो लोन कराया, हम लोग हमारे कुछ व्यापारी भाइयों को वो लोन भी अभी तक है जिसकी किस्तें भी अदा नहीं हो पा रही है। परेशान हो रहे, अब 2-4 दिन से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और हमें दुकान लगने देते हैं और हमारा पलंग उठा कर फेंका जाता है और कुछ मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पुराने कपड़ों का काम करते हैं। ये दुकान लगा है, मतलब दुकान में बैठने नहीं देते कि यहाँ से दुकानें खाली करो, पलंग पलट देते हैं और दुकान में पैसे मांगते 2-3 सौ रुपए हम कहाँ से दे। बच्चे बीमार हैं, हम महिला खुद बीमार रहती हैं, परेशान रहती हैं, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। बच्चे को देखे घर में के बुढ़े आदमी को देखे कि आप दुकान लगाने आए, यहाँ से मना करते कि दुकान नहीं लगाओ। चल रहा और आज हम तीसरा दिन जो शुरू हो गया,
ठीक है सर, धरना हम इसलिए दे रहे हैं कि हम अपने बाजार को निःशुल्क करना चाहते हैं। जब सिंचाई विभाग जो स्थाई रेडी पटरी फट लग रही, हाट लग रही, बाजार लग रहे हैं, जब आप उनसे कोई रेवेन्यू नहीं ले रही सिंचाई विभाग, तो फिर हम सप्ताह में एक दिन खुली भूमि में बैठ रहे हैं, हमारे से क्यों लिया जा रहा? हम तो सिर्फ दो सवाल जवाब पूछना चाह रहे हैं। हमारे बाजार को ठेके के प्रारूप में डालकर, जो प्रावधान में डालकर क्यों हमारे से शुल्क वसूला जा रहा ठेकेदारी के तहत? हम तो ये जानना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की धामी सरकार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। सरकार के तीन साल के कार्यकाल के भीतर सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और अपराधियों को जेल भी भेजा है, जिसमें से अभी तक 8 अफसरों और 55 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि इसके कांग्रेस पार्टी धामी सरकार पर निशाना साधने से बात नहीं आ रही। ये कहने की बात है, आंखों में धूल झोंकने का, कांग्रेस के समय में इस तरह के अपराध थे ही नहीं। आप हमने तो कांग्रेस के समय की अगर बात करें, हमने तो अपने केंद्र के मंत्रिमंडल के साथियों को जब हमने सूचना का अधिकार दिया, उसमें जिन लोगों के नाम आए हमने उनको जेल में डाला। हमारी अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को जेल में डाला, हमारे जो सहयोगी दल थे उनके मंत्रियों को हमने जेल में डाला। तो बीजेपी का ये कहना गलत है। इनके तो बंगारू लक्ष्मण से लेके जो शुरुआत हुई थी उसमें अभी तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई, और बीजेपी को बेशर्मी की हद हो गई। किसान आंदोलन में जिस तरीके की घटना घटी और वो गाड़ी से कुचला गया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं, सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं, जिस बेटी ने अपनी कुश्ती छोड़ दी, जिस सांसद का नाम उसने लिया खुलकर, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। यहाँ अंकिता भंडारी मर्डर केस की मिसहैंडलिंग क्या है सबको पता नहीं है, और SSSC भर्ती घोटाले में हाकम सिंह जी का नाम आया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा किसी की जानकारी में नहीं है। बढ़ेंगे आगे। उधर आपको बता दें कि हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर की अध्यक्षता में प्राधिकरण की बैठक हुई, जिसमें कि कई अहम निर्णय लिए गए। कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि मुख्यमंत्री की अपेक्षा के अनुसार जिला विकास प्राधिकरण हल्द्वानी में ग्रीन बेल्ट विकसित करेगा और इसके अलावा भीमताल क्षेत्र में प्राधिकरण के जरिए दी गई स्वीकृतियों के सत्यापन के भी निर्देश दिए गए। उधर आपको बता दें कि देहरादून में मॉनसून के दस्तक के बाद जहां एक तरफ शहरवासियों को झुलसती गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश से डेंगू और चिकनगुनिया के प्रकोप की दस्तक के संकेत भी अब मिलने लग गए हैं। वहीं इसको लेकर देहरादून नगर निगम अब अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसके चलते देहरादून के मुख्य बाजार स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि जल निकासी और अन्य समस्याओं के लिए आपदा कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। 10 दिवसों से जो है मौसम में अचानक जो है तापमान में गिरावट आई है, तथा वर्षा भी जो है लगभग जो है मानसून आने की पूरी उसमें द्वार पे खड़ा है, जिस कारण से जो है हम लोग पूर्व की भांति जो है अब इंटेंसिटी बढ़ा दी गई है उसमें। हमने अपना आपदा कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया गया है जल निकासी हेतु और अन्य समस्याओं के लिए, तथा साथ ही साथ जो है हमारा जो लार्वीसाइडल का छिड़काव है वो भी अब हम लोगों ने जो है 5 ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से जो है हमारे स्प्रिंकलर्स के माध्यम से वो किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो है फॉगिंग का कार्य 100 वार्डों में जो है छोटी मशीनों से, और जो 6 बड़ी मशीन है उसमें से अभी हमने 3 कार्यरत रखी है। अगर इंटेंसिटी बढ़ती है तो फिर हम उसको आवश्यकता अनुसार 6 वाहनों तक जो है उसकी शुरुआत करेंगे। उधर आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस बार मॉनसून आने में 7 दिन की देरी हो गई है। हालांकि बीते 2 दिनों से प्रदेश भर के पर्वतीय जिलों से लेकर मैदानी इलाकों में प्री मॉनसून की बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। वहीं आज देहरादून समेत प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश होने के आसार हैं। इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि 28 और 29 जून को होने वाली बारिश के साथ मॉनसून उत्तराखंड में प्रवेश कर जाएगा। उत्तर प्रदेश में चल रही जीरो टॉलरेंस की नीति पर अब अधिकारी भी फुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और अधिकारियों के इस एक्शन से माफियाओं में बौखलाहट देखने को मिल रही है। प्रदेश को अवैध खनन के धंधों से मुक्त बनाने के लिए वन विभाग की टीमें ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। स्टोन क्रेशर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, धामी के निर्देश, अधिकारियों का एक्शन, अवैध खनन रोकने के लिए चलाया अभियान।
वन विभाग का स्टोन क्रेशर पर हंटर, डीएफओ के एक्शन से घबरा रहे खनन माफिया। उत्तराखंड के जनपद नैनीताल और उधम सिंह नगर में खनन माफिया का खूब बोलबाला रहा है और खनन माफिया के रसूख के आगे सरकार भी नतमस्तक रही है। हालांकि प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा अवैध खनन का ही बना रहा। अवैध खनन पर सरकारें बनती बिगड़ती रहे, लेकिन खनन माफियाओं पर लगाम लगाने में सभी सरकारें फेल रही। लेकिन उत्तराखंड के मुखिया के रूप में जब उत्तराखंड की कमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभाली तो धामी के धाकड़ फैसलों की वजह से खनन माफियाओं में बौखलाहट देखने को मिली। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के बाद वन विभाग पूरी तरह से एक्शन में है और वन विभाग खनन में लिप्त सभी खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने में जुट गया है। वन विभाग की टीम ने अब तक 5 स्टोन क्रेशरों को सीज कर लिया है और अभी दर्जनों से अधिक स्टोन क्रेशरों की विभाग की टीम जांच कर रही है। इतना ही नहीं, वन विभाग की टीम ने कोसी नदी में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए नदी के चारों तरफ खाई खोदी है और सख्त चेतावनी दी है कि अगर किसी ने इस खाई को खनन करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। देखिए, अवैध खनन कोसी और दापका नदियों में जो हमारी अवैध खनन की जो घटनाएं हो रही थी, इनके विरुद्ध एक इस तरह से किया गया है कि एक पूरे हम अपने डिवीजन से और खान विभाग और पुलिस विभाग सबकी संयुक्त तरीके से मिल करके हम लोग एक अभियान चला रहे हैं और इसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि अवैध खनन पर पूर्ण रूप से जो है रोक लगा दी जाए। और इसी क्रम में हमारे द्वारा स्टोन क्रेशरों पर कार्रवाई की गई है, जो जिनके द्वारा चोरी का माल खरीदा जा रहा है उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए 5 स्टोन क्रेशरों को फिलहाल सीज किया गया है और उनकी खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाकी अभी उनका जो उनके पास जो भी मटेरियल मिला है उस मटेरियल की अभी जांच की जा रही है और जांच के बाद उनके ऊपर जो जुर्माने की कार्रवाई होगी वो खान विभाग द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो नदियों में जो घुस करके लोग चोरी कर रहे थे उसमें नदियों में अंदर जाने और बाहर जाने के जो जितने भी रास्ते हैं जिनको यहाँ घाट बोलते हैं वो सारे घाटों पर जो है JCB से खाई खुदान कर दिया गया है और सभी को चेतावनी दी गई है और आज उनके विरुद्ध जो घाट के जो घाट चलवाते हैं उनको एक नोटिस भी इश्यू कर रहे हैं सभी घाट वालों को कि अगर उनके द्वारा दोबारा से घाटों को पाट करके दोबारा गाड़ियां अंदर भेजी गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। बहरहाल धाकड़ धामी के निर्देशों पर वन विभाग के धाकड़ एक्शन देखने को मिल रहे हैं और धाकड़ एक्शन की वजह से खनन माफियाओं में बौखलाहट बनी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रदेश कब तक अवैध खनन से मुक्त होता है और इन खनन माफियाओं पर लगाम लगाने में धामी सरकार कब तक सफल होती है। काशीपुर से जनता टीवी के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।